नमस्कार, मैं हुशवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। कनाडा में भारतीयों के खिलाफ हिंसा जारी है। अब यहां के भगवत गीता पार्क के प्रतीक चिन्ह को तोड़ा गया है। इसकी पुष्टि मेयर पैट्रिक ब्राउन ने की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में इस पार्क का अनावरण किया गया था। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार को नई राजनीतिक दृष्टि और नई सोच की जरूरत है। बदलती दुनिया के साथ अपनी जगह बनाने में नई राजनीतिक समझ का होना मूल्यवान है। अगले 1 से 1.5 साल के लिए पश्चिम चंपारण के भीतीहरवा के गांधी आश्रम से जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत करने से पहले प्रशांत किशोर ने ये बात कही है। RRR देश में हंगामा मचाने के बाद अब अमेरिका में भी लोगों को दीवाना बना रही है। अमेरिकी सिनेमाघरों से फिल्म RRR की स्क्रीनिंग के वीडियोस सामने आए हैं, जहां अमेरिकन ऑडियंस फिल्म RRR के सुपरहिट गाने नाचो नाचो पर झूमती दिख रही है। गांधी जयंती से एक दिन पहले राजद की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया था। शेयर वीडियो में राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गांधी जी की प्रतिमा साफ करते दिखाई देते हैं। यह वीडियो तब का है जब तेजस्वी यादव विदेश यात्रा में इंग्लैंड गए थे। राजद की ओर से जारी यह वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पड़ोसी देश पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई दूसरा ऐसा आतंकवाद की ऐसी प्रैक्टिस नहीं करता जैसी पाकिस्तान करता है। बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री और विधान पार्षद कार्तिक मास्टर की अग्रिम जमानत की याचिका सुनने से पटना हाईकोर्ट के जज अंजनी कुमार शरण ने इनकार कर दिया है। उन्होंने इस मामले को अपने लिस्ट से हटाने का निर्देश देते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के आदेश हेतु उनके समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया है। पूर्वी रेलवे ने अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार RRC की आधिकारिक वेबसाइट rrcrecruit.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू हो गई है और 29 अक्टूबर 2022 तक समाप्त होगी। आज कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य के डिप्टी CM तेजस्वी यादव को सौंपा है। अब विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अब बोरिया बिस्तर बांध लें। पाकिस्तान के एक मजिस्ट्रेट ने एक महिला जज को धमकाने के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके बाद से उन अटकलों को हवा मिली है कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अभिनेता अनु कपूर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है। एक्टर के अकाउंट से लगभग 4,36,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक फ्रॉड ने प्राइवेट बैंक का अधिकारी बनकर अनु कपूर को कॉल किया, जिसके बाद KYC की डिटेल्स को भरने के बहाने फ्रॉड ने एक्टर के अकाउंट से लाखों रुपये निकाल लिए। शशि थरूर ने आज समाचार एजेंसी PTI को साक्षात्कार दिया है। उन्होंने कहा कि वह उम्मीदवारों के बीच सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे लोगों की उसी तरह से पार्टी में दिलचस्पी पैदा होगी जैसे कि हाल में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व पद के चुनाव को लेकर हुई थी। शोपिया के बसकुचान में चल रहे मुठभेड़ में भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एक आतंकी मारा। आतंकी के नौपोरा बसकुचान के रहने वाले नसीर अहमद भट्ट के रूप में पहचान हुई है, जो कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयब से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में किसी का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी की मजबूत करने के लिए मैदान में उतरा है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे साथ दीपेंद्र हुड्डा, गौरव बल्लभ और नासिर हुसैन भी मौजूद रहे। इस दौरान पता चला कि कांग्रेस के 3 बड़े प्रवक्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। अब वे 3 प्रवक्ता अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली एम्स अब यह आदेश जारी किया है कि नई OPD और सर्जिकल ब्लॉक की OPD में स्लॉट के अनुसार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट पर्ची पर दर्ज समय के दौरान ही मरीज OPD में देखे जाएंगे। बगैर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के OPD में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को भी अस्पताल पहुंचने पर स्लॉट दिया जाएगा। DTC के बसों के रूटों में 26 साल बाद प्रस्तावित 26 नए बस रूटों पर बसों का ट्रायल रन आज से शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार के रूट रेशनलाइजेशन स्टडी के तहत प्रस्तावित इन 26 नए बस रूटों पर बस सेवा 50% बसों की तैनाती के साथ शुरू होगी। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भी आज सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, PM नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि यह कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक राजघाट स्थित गांधी समाधि पर आयोजित किया गया।
शांतिपूर्ण माहौल खराब करने के आरोप में 9 छात्रों पर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने सख्त एक्शन लिया है। विश्वविद्यालय की ओर से सभी 9 छात्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित छात्रों में मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शादाब चौधरी, नाजीम खान, नसरुल्ला अंसारी, नोमान साहिल, सलमान खुर्शीद और सुहेल शामिल है। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान हुई भयावह हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस दर्दनाक घटना में 174 लोग काल के ग्रास में समा चुके हैं। भारत में फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में इस त्योहारी सीजन में दिवाली से पहले रेलवे के लाखों कर्मचारियों को मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बराबर बोनस देने का फैसला किया है। विराट कोहली अगर आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में 19 रन बना लेते हैं तो यह ओवरऑल T20 क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। बता दें कि भारत का कोई भी बल्लेबाज आज तक ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाया है। अगर विराट कोहली ऐसा करते हैं तो वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। रेलवे ने त्योहारों के दौरान होने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 05315 या 05316 छपरा दिल्ली छपरा फेस्टिवल स्पेशल को चलाया जाएगा। बता दें कि ट्रेन संख्या 05315 छपरा से दिल्ली तक 3 अक्टूबर से 10 नवंबर तक हर सोमवार और गुरुवार को चलेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आतंकी हमले की खबर सामने आ रही है। पुलवामा के पिंगलाना में CRPF और पुलिस की संयुक्त पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग की। इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए और CRPF का एक जवान भी घायल हो गया है। मौके पर अतिरिक्त सेना को भेजा गया। इलाके की घेराबंदी की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कथित संलिप्तता के आरोप में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी दीपक टीनू अपराध जांच एजेंसी मानसा की हिरासत से फरार हो गया है। कई राज्यों से मॉनसून की विदाई हो चुकी है जिससे बारिश की गतिविधियां भी कम हो गई हैं। हालांकि अब एक बार फिर से कुछ राज्यों में मौसम बदलने जा रहा है और जमकर बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करके बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में 2 से 3 दिनों तक बारिश होने वाली है। दृश्यम 2 का टिकट 50% की छूट पर बुक कर सकते हैं लेकिन कुछ शर्तें हैं। यहां ऑफर केवल रविवार 2 अक्टूबर तक के लिए है। साथ ही ओपनिंग डे 18 नवंबर की टिकट की बुकिंग करनी होगी। जिन लोगों ने दृश्यम देखी है उन्हें पता होगा कि 2 अक्टूबर की तारीख का फिल्म में खास कनेक्शन है। असम के धुबरी जिले में 29 सितंबर गुरुवार को एक नाव पलट गई थी। अधिकारियों ने कहा है कि नाव ब्रह्मपुत्र नदी में जा रही थी। इस नाव में कम से कम 50 लोग सवार थे जिसमें से 20 से अधिक लोगों को SDRF और गोताखोर की मदद से बचा लिया गया था। वहीं 72 घंटे बीत जाने के बाद राजस्व अधिकारी संजू दास का शव बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G लॉन्चिंग होने के बाद केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपकरणों का विकास भारत में हुआ है और दुनिया में निर्यात होने के लिए तैयार है। इसके साथ ही 6G में हमें आगे रहना है और 6G के टेक्नोलॉजी के एलिमेंट पर भारत के पेटेंट हो चुके हैं और इन सबको उतारने की तैयारी है। CBI ने आगामी इंटरपोल महासभा से पहले ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपनी पहली मौजूदगी दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि इंटरपोल महासभा में 195 देशों के भाग लेने की संभावना है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 दिवसीय 9वीं महासभा के लिए यूजर आईडी CBI CIO के साथ दोनों प्लेटफॉर्म पर अपने खाते बनाए हैं। एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी सुजलॉन एनर्जी के फाउंडर तुलसी तांती का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। बता दें कि तुलसी तांती की उम्र 64 साल थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी तांती के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू कुमार, पवन, बबलू कुमार, रविशंकर, पीयूष पटेल, कुश कुमार यादव, जितेंद्र ठाकुर और रोशन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है कांग्रेस अध्यक्ष बनने की रेस में कौन आगे है, शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।